हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग द 15th चैप्टर ऑफ क्लासिक साइंस बुक, दैट इज एयर अराउंड अस, मतलब हवा हमारे आसपास। एज वी ऑल नो दैट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वी ब्रीथ इन एयर, थिंग्स फ्लाई इन एयर, वी लीव इन एयर। कपड़ों का उड़ना, बालों का उड़ना, बुक्स के पेजेस का उड़ना, ये सब हमें क्या शो करता है कि एयर हमारे आसपास है। Air is present everywhere and the flow of air is very fast, which is called wind. Here we take an activity which show air is present everywhere. तो इसके लिए हमने क्या लिया है? हमने लिया है सबसे पहले पेपर फैन। This is paper fan, which is known as फिरकी. And when we take a paper fan and hold it stick, this is a stick, and hold it stick in different directions. North, south, east, west. When we hold the stick of the paper fan in every direction, then you will observe that fan move around like this in this position. Due to the presence of air, this fan rotates. So this activity show that air is present everywhere in every direction, and the same principle is work on windmill. We use windmill for generation of electricity, and the same principle is used in windmill. Next we have atmosphere. What is atmosphere? The envelope of air surrounding the surface of earth is known as atmosphere. Atmosphere kya hota hai? एयर की कवरिंग हमारे सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। जो ये अर्थ है, ये क्या है हमारा, इस पे लैंड हम रहते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एयर की कवरिंग होती है एक, जिसे हम कहते हैं एटमोसफियर। और ये कवरिंग आगे, एटमोसफियर की जो लेयर है वो आगे कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की गई है, लेकिन अभी हमारे पास जस्ट एटमोसफियर है, और जो क्या है एयर की कवरिंग है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। The atmosphere extend to a height of about 500 kilometer above the earth surface. It means क्या है कि हमारी land, earth की जो land है, earth का जो surface है, उससे 500 kilometer ऊपर तक ये atmosphere की जो layer है वो extend की गई है, बिछाई गई है, it means, ठीक है। It protect from UV rays. UV rays क्या होता है? Ultraviolet rays, जो सनलाइट से निकलती हैं और वो डायरेक्ट हमारी स्किन के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर इफेक्ट ना डालें, इसलिए क्या करते हैं, एटमोसफेयर की लेयर हमें प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, ठीक है। इट हैज़ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग। एटमोसफेयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, जो किस लिए ज़रूरी होती है, ब्रीथिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए वी नीड ऑक्सीजन गैस। So this oxygen gas we get from atmosphere. Atmosphere से क्या मिलती है हमें, oxygen gas मिलती है for our respiration. So this is all about atmosphere. And next we have properties of air. Air की क्या properties है? जैसे कि अभी हमने बात की कि air is present everywhere, every corner, every in everything. एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते, इट इज इनविजिबल, बिकॉज एयर का कोई कलर नहीं होता, एयर को हम अच्छे से देख नहीं सकते क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट इज एयर इज मैटर, सेकंड प्रॉपर्टी है। एयर क्या है? मैटर है। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि इन द यूनिवर्स एवरीथिंग, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज किससे बनी है? मैटर से। जब छोटे छोटे एटम आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, वो क्या बनाते हैं? एयर बनाते हैं। सो एयर के अंदर हमने क्या देखा, अभी हमने बात की थी इस पॉइंट में कि एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, जो हमें रेस्पिरेशन के अंदर, ब्रीथिंग के अंदर हेल्प करती है। सो एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन गैस है। मतलब ये ऑक्सीजन गैस किससे मिलकर बनती है? ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनती है। जब तो फिर हमने पढ़ा था कि जब एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, जुड़ेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? मैटर बनाएंगे। सो एयर क्या है हमारे पास? मैटर है, बिकॉज ये किससे मिलकर बनी है? ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, और भी बहुत गैसेस से मिलकर बनी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
क्या है? एयर इज कलरलेस, ओडलेस एंड टेस्टलेस। एयर का ना तो कोई कलर होता है, ना कोई स्मेल होती है, और ना ही कोई टेस्ट होता है। भी मैंने बताया आपको कि एयर ट्रांसपेरेंट होती है, हमें एयर दिखाई नहीं देती। और क्या होती है? वो ओडलेस होती है, उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती और ना ही हम उसे टेस्ट कर सकते। सो एयर इज कलरलेस, ओडलेस एंड टेस्टलेस। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की कंपोजिशन क्या है, मतलब एयर के अंदर कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है और कितनी कितनी अमाउंट के अंदर। फर्स्ट क्या है? नाइट्रोजन। 78% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर, मतलब एयर के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, विच इज 78%। नेक्स्ट क्या है? 21% ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है? 21%। 21% हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है। और ऑक्सीजन क्या है? हमारी सर्वाइवल के लिए, लाइफ के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स दे बोथ रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ब्रीदिंग। ठीक है। 1% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन एंड अदर गैसेस। 1% क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, आर्गन और अदर गैसेस। ये सारी गैसेस एयर के अंदर सिर्फ 1% पाई जाती है। सो दिस इज कंपोजिशन ऑफ एयर और वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। फर्स्ट वी हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले ऑक्सीजन, हमें पता है कि ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स एंड अर्थ के ऊपर लाइफ की सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। और ऑक्सीजन किसके अंदर हेल्प करती है? कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल की कंबशन के अंदर भी ऑक्सीजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। सो इसी चीज़ को हम आज एक्टिविटी से समझेंगे कि व्हाई ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल। सो वी टेक एन एक्टिविटी। सो फॉर दिस एक्टिविटी टेक अ ग्लास टम्बलर, अ मैच स्टिक, अ कैंडल लाइक दिस एंड लाइट द कैंडल। व्हेन वी बर्न द कैंडल देन आफ्टर सम टाइम कवर दिस कैंडल विद इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर लाइक दिस। हम कैंडल के ऊपर क्या कर देंगे? ग्लास टम्बलर को इन्वर्ट करके, उल्टा करके रख देंगे। थोड़े टाइम के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? दैट द कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम। कैंडल क्या करेगी? बर्न होना बंद कर देगी, स्टॉप कर देगी बर्निंग को थोड़े टाइम के बाद। दिस शो दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर। ऑक्सीजन क्या है? एयर के अंदर प्रेजेंट होती है और एयर इज असेंशियल फॉर कम्बशन। सो इससे क्या पता लगता है हमें? एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन कम्बशन ऑफ फ्यूल के लिए असेंशियल है। देखो जैसे ही हमने इसके ऊपर क्या किया, इन्वर्ट ग्लास जार को या फिर ग्लास टम्बुलर को रख दिया, प्लेस कर दिया, तो क्या हुआ? अंदर एयर का फ्लो कम हो गया, एयर ग्लास के अंदर खत्म होना शुरू हो गई। और एयर खत्म होना शुरू होगी तो इट मीन्स ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी कम होगी और विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग क्या हो गई? स्टॉप हो गई। सो इससे हमें क्या शो हुआ? ऑक्सीजन क्या है? असेंशियल है सब्सटेंस को बर्न करने के लिए। ठीक है। सेकेंड वी हैव नाइट्रोजन। अगर हम सेम एग्जाम्पल को लेते हैं, जो हमने अभी एक्टिविटी की, सेम एक्टिविटी को लेते हैं, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ गैसेस। ये देखिए कुछ गैसेस अभी भी इसमें से रिलीज हो रही हैं, निकल रही हैं। ये देखो ये गैस कौन सी है? दिस इज नाइट्रोजन। व्हेन योर कैंडल ब्लो आउट यू मे नोटिस अ गैस। आपने गैस को अच्छे से नोटिस किया होगा। दिस शो दैट एयर इज प्रेजेंट एंड हैविंग अ गैस। एयर के अंदर क्या होता है? एयर के अंदर कुछ गैस प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? डू नॉट अलो बर्निंग। एयर को बर्निंग के अंदर हेल्प नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती बर्निंग को। और उस गैस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन बोलते हैं। दिस गैस इज नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज अ गैस विच डू नॉट अलो बर्निंग ऑफ थिंग्स। ये गैस क्या है? हमें बर्निंग के लिए अलो नहीं करती। सो इस एक्टिविटी से हमने क्या शो किया? कि हमारी एयर के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। तो अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन किस लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। द
तो नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर, प्लांट फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होता है। प्लांट्स को फिक्स करने के लिए हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। हम फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और जब हम उन प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को, फ्रूट्स को या प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। सो नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है, तो हम उसकी प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? व्हेन वी कुक अ फूड इन अ क्लोज रूम, अगर हम एक क्लोज रूम के अंदर खाने को पकाना शुरू करते हैं, अगर खाना जल जाए तो क्या करते हैं, हमें सफोकेशन होना शुरू हो जाती है ना। यू मे फील सफोकेटेड, हमें सफोकेशन फील होना शुरू हो जाती है, खांसी आना शुरू हो जाती है, तो उससे क्या पता लगता है कि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है। वो कैसे? दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग से क्या होगा, जो धुआं निकलेगा वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और एयर के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। सो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण हमारी बॉडी उसको बियर नहीं कर पाएगी, इसलिए हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हमारी कफिंग शुरू हो जाती है, वी फील सफोकेटेड। ठीक है, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर, कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, एंड सम इज एडेड ऑन बर्निंग, और कुछ क्या है, बर्निंग के कारण ऐड हो जाती है। सो इसके कारण क्या होता है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट इन द एयर, और उसकी वजह से हमें क्या होना शुरू हो जाता है, सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज अ एक्टिविटी टू डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस तो हमें पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के अंदर प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग दोनों की रेस्पिरेशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वी एक्सहेल, हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड प्लांट्स इनहेल, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। सो फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्लांट्स और ह्यूमन बींग के अंदर ट्रांसफर होता है और निकलता भी है। नेक्स्ट वी हैव वाटर वेपर्स। लास्ट चैप्टर में हमने वाटर साइकिल के अंदर देखा था कि वाटर क्या करता है, लेक्स के अंदर से इवेपोरेट होता है, तो जो वाटर लिक्विड है उसके क्या बनना शुरू हो जाते हैं, वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और कंडेंस्ड होके क्लाउड्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो वही वाटर वेपर्स एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। सो उसके लिए हम लेंगे एक स्टील टम्बलर लेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, वाटर और आइस को फील करना शुरू कर देंगे। प्लेस इट अनडिस्टर्ब ओनली फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए हम उसको अनडिस्टर्ब रख देंगे और ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर 5 मिनट यू विल फाइंड वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सर्फेस ऑफ टम्बलर। 5 मिनट्स के बाद आप देखोगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स, दिस इज वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स टम्बलर के ऊपर आना शुरू कर देगी, स्टील टम्बलर के ऊपर। दिस इज बिकॉज द एयर अराउंड द गैस कंटेन वाटर वेपर्स। इससे हमें क्या पता लगा कि टम्बलर के आसपास जो एयर है उसके अंदर क्या वाटर वेपर्स हैं, और आइस क्यूब की वजह से वाटर वेपर्स कंडेंस्ड होना शुरू कर देंगे। कैसे? वाटर वेपर्स वापस से लिक्विड फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू कर देंगे, और ये लिक्विड वाटर वेपर्स के फॉर्म में हमारे ग्लास टम्बलर के ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज डस्ट एंड स्मोक। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल ऑब्जर्व अ बीम ऑफ सनलाइट इन अ क्लोज रूम इन द मॉर्निंग। आपने मॉर्निंग के अंदर एक सनलाइट की बीम को ऑब्जर्व किया होगा मॉर्निंग के टाइम पे, बिकॉज उस टाइम क्या होता है, रूम के अंदर अंधेरा होता है, लेकिन जब सूरज की लाइट, सूरज की रोशनी, सनलाइट एक एरिया से, लाइक फ्रॉम अ होल और अ विंडो से पास होती है, तो हमें एक बीम ऑफ सन बीम दिखाई देती है, सनलाइट की एक रे दिखाई देती है, जिसके अंदर हमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स,
डस्ट पार्टिकल्स अच्छे से विजिबल होते हैं. लाइक दिस इज अ क्लोज रूम, यू कैन चूज एनी डार्क रूम हैविंग अ विंडो और अ होल. इन अ सनी डे सनलाइट पास फ्रॉम दिस ओपन विंडो और अ होल. सनी डे के अंदर क्या होगा, सनलाइट पास फ्रॉम दिस ओपन विंडो और अ होल. ऑब्जर्व दिस सनलाइट, इस सनलाइट को जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, यू विल सी टिनी ऑफ डस्ट पार्टिकल इन अ सनबीम. इस सनबीम के अंदर आपको बहुत से टीनी पार्टिकल्स जो क्या है डस्ट पार्टिकल्स है वो अच्छे से दिखाई देना शुरू करेंगे. सो ये डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर आप अपने घर की अच्छे से सफाई ना करो रेगुलर, तो आप थोड़े दिनों के बाद देखोगे कि आपके जो घर के अंदर जो चीज़ें हैं थिंग्स हैं उनके ऊपर डस्ट कलेक्ट होना शुरू हो जाती है. सो वो डस्ट कहाँ से आती है, वो डस्ट एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना. वो डस्ट पार्टिकल्स एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे थिंग्स के ऊपर चीज़ों के ऊपर कलेक्ट होना शुरू कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डस्ट कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीजन साइकिल. अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, विच इज ऑक्सीजन साइकिल. ऑक्सीजन साइकिल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को हम अपने एटमोसफेयर के अंदर एनवायरमेंट के अंदर कॉन्स्टेंट रखते हैं. कॉन्स्टेंट होती है, कैसे होती है, मतलब जितना हमने एक्सहेल किया उतना ही हमने इनहेल कर दिया. ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को जितना हमने इनहेल किया उतना ही एक्सहेल कर दिया. सो क्या हुआ, जो एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो क्या रही, कांस्टेंट रही. तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल. सो इस पूरे ऑक्सीजन साइकिल को चलिए समझते हैं. सो ऑक्सीजन साइकिल कहाँ से शुरू होता है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लांट. प्लांट से हम इस ऑक्सीजन साइकिल को शुरू करते हैं, कैसे करते हैं देखिए. सो एवरी प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं प्लांट्स. उसके अंदर क्या करते हैं, दे ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरमेंट. एनवायरमेंट से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना शुरू करते हैं और वाटर जो हम प्लांट्स को देते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीजन और फूड को बनाना शुरू करते हैं. फूड को वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं एटमोसफेयर के अंदर. सो प्लांट्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और ऑक्सीजन को क्या किया, बाहर निकाल दिया. सो ये ऑक्सीजन क्या आ गई, हमारे एटमोसफेयर के अंदर आ गई अब. सो ये ऑक्सीजन जो एटमोसफेयर के अंदर है, प्रेजेंट है, उसको क्या किया एनिमल्स ने और ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, कंज्यूम करना शुरू कर दिया, इनहेल करना शुरू कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन से, ब्रीदिंग से हमने क्या किया, ऑक्सीजन को कंज्यूम करना शुरू कर दिया. तो फिर ऑक्सीजन अंदर जाके, हमारे अंदर जाके हमारे केमिकल बॉडी के केमिकल प्रोसेसेस करेगा और उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर देंगे, निकाल देंगे हमारी बॉडी से. सो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमोसफेयर के अंदर प्रेजेंट है वो कंज्यूम हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स उसको कंज्यूम कर लेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस अगेन. सो इसी तरह से क्या होगा, हमारा एक ऑक्सीजन साइकिल चलता रहेगा, जिससे क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एयर के अंदर कांस्टेंट रहेगी. सो दिस इज ऑक्सीजन साइकिल. और ये ऑक्सीजन साइकिल हमारे अर्थ के बैलेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये ऑक्सीजन साइकिल से हमारे अर्थ का बैलेंस मेंटेन रहता है और लाइफ अर्थ के ऊपर ईजी रहती है. नेक्स्ट है हमारे पास रोल्स ऑफ एटमोसफियर. एटमोसफियर के रोल क्या है हमारे, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, द एटमोसफियर मेंटेन द राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ. एटमोसफियर क्या करता है, हमारे अर्थ के ऊपर टेम्परेचर को प्रॉपर मेंटेन करके रखता है. मैंने आपको अभी एटमोसफियर के बारे में जब हमने डेफिनेशन की थी तो मैंने आपको बताया था कि एटमोसफियर है वो क्या करता है, सनलाइट को प्रॉपरली पास आउट होने नहीं देता. जितनी सनलाइट हमारी अर्थ को चाहिए सिर्फ उतनी ही सनलाइट पास करता है और हार्मफुल सनलाइट को दूर करता है हमारे अर्थ सरफेस से. सो इसी तरह क्या करता है, वो ब्लैंकेट की तरह यूज़ होता है. इसलिए हम क्या करते हैं, एटमोसफेयर को हमारे अर्थ का ब्लैंकेट भी बोलते हैं. एटमोसफेयर के अंदर क्या होता है कि जो हॉट एयर है, एटमोसफेयर के अंदर गर्म हवा है,
उसको एटमॉस्फेयर अब्जर्व कर लेता है, राइज कर लेता है, ऊपर खींच लेता है, और जो कूल एयर है उसको वहां पे छोड़ देता है। इसकी वजह से क्या होता है, सर्दी शुरू हो जाती है और गर्मी के अंदर उससे ऑपोजिट करता है। सो इसी तरह से क्या होता है, हमारी अर्थ के ऊपर वेदर बनते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं गर्मी सर्दी के। सो दिस एटमोसफियर ऑल्सो हेल्प इन चेंज इन वेदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन साइकिल एंड वाटर साइकिल अकर इन द एटमोसफियर। हमने अभी ऑक्सीजन साइकिल किया और पिछले चैप्टर में हमने वाटर साइकिल किया था। तो ये दोनों साइकिल क्या है, हमारे एटमोसफियर के अंदर होते हैं। विदाउट एटमोसफियर वी कैन नॉट परफॉर्म ऑक्सीजन साइकिल एंड वाटर साइकिल। तो दोनों साइकिल के लिए हमें एटमोसफियर चाहिए ही चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड वाटर साइकिल। सो दिस इज द रोल ऑफ एटमोसफियर। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज ऑफ एयर। एयर के क्या यूज है, एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग वी ऑल रिक्वायर्ड एयर फॉर लिविंग। हमें जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए एयर ज़रूरी चाहिए बिकॉज विदाउट एयर वी कैन नॉट ब्रीथ, वी कैन नॉट सर्वाइव। प्लांट एनिमल नीड एयर टू लिव, ह्यूमन नीड एयर टू ब्रीथ, बर्ड्स फ्लाई बिकॉज देयर इज एयर। बर्ड्स क्या फ्लाई करते हैं, बिकॉज एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वी फील एयर इन बेलून्स, फुटबॉल्स एंड साइकिल टायर्स। हम एयर को क्या करते हैं, बेलून्स के अंदर, फुटबॉल्स के अंदर एंड साइकिल टायर्स के अंदर फील करते हैं ताकि वो अच्छे से यूज हो सके हम उसको। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। एयर क्या है, बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए ज़रूरी है। हमने ये एक्टिविटी से भी अच्छे से डिटेक्ट किया था ना कि एयर इज असेंशियल फॉर बर्निंग। एयर इज यूज टू मूव थिंग्स। एयर चीज़ों को मूव करने के लिए भी ज़रूरी है, लाइक काइट, हेलीकॉप्टर, सेल बोट एंड विंड मिल। इन सब के लिए भी क्या है, एयर ज़रूरी है। विंड मिल से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। सो एयर इज ऑल्सो यूजफुल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये क्या है, हमारे पास यूजेस हैं एयर के। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टूडेज लाइफ बिकॉज ओजोन लेयर क्या है, आज के टाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि आज के टाइम पे टेम्परेचर जो इतना बढ़ चुका है, गर्मी का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है, और ओजोन लेयर की डिप्लीशन की न्यूज़ हम रोज सुनते हैं। ये जो न्यूज़ है इससे हमें पता लग रहा है कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और हमारे ह्यूमन बींग्स की लाइफ क्या है वो रिस्क में है, डेंजर में है। सो हम सबसे पहले जानते हैं कि ओजोन लेयर होती क्या है। ओजोन लेयर इज अ लेयर ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द रीजन बिटवीन अबाउट 10 किलोमीटर एंड अबाउट 50 किलोमीटर हाई इन द अर्थ्स एटमोसफेयर। ओजोन लेयर क्या है, एक लेयर है ओजोन गैस की, और ये कितने एरिया तक प्रेजेंट होती है, ये अर्थ से 10 किलोमीटर, अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर अर्थ तक पाई जाती है। दिस इज ओजोन लेयर। दिस लेयर ऑब्जर्व यूवी रेज फ्रॉम सन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेज। ये ओजोन लेयर बेसिकली हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है ताकि हमारी स्किन जो यूवी रेज के साथ कांटेक्ट में ना आ पाए। बिकॉज अगर हमारी बॉडी यूवी रेज के कांटेक्ट में आ जाएगी तो हमें स्किन कैंसर, स्किन प्रॉब्लम जैसी बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी। सो दिस ओजोन लेयर इज वेरी यूजफुल फॉर अवर लाइफ। और ओजोन लेयर डिप्लीशन की न्यूज़ तो हमने सुनी है, एंटार्क्टिका के अंदर ओजोन लेयर में होल हो चुका है, तो इस वजह से क्या है, उस साइड स्किन कैंसर और स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। सो वी हैव टू मेंटेन अवर अर्थ बैलेंस ताकि ओजोन लेयर हमारी मेंटेन रहे और हमें खतरा ना हो, हमारी लाइफ को खतरा ना हो। लास्ट टॉपिक इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस। एयर के अंदर जब अनडिजायरेबल सब्सटेंस की अमाउंट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। और ये अनडिजायरेबल सब्सटेंस क्या है, हार्मफुल गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर मटीरियल इन टू द एटमोसफियर। जब एटमोसफियर के अंदर हार्मफुल गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स,
या फिर कुछ और मटेरियल ऐड होना शुरू हो जाएंगे और उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी, तो क्या होना शुरू हो जाएगा? एयर पोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। दीज अनडिजायरेबल सब्सटेंस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। इन अनडिजायरेबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। इट मीन्स जब पोल्यूटेंट्स की अमाउंट कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी एयर के अंदर, तो एयर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है? फैक्ट्री एमिशन, फैक्ट्री का जो धुआं, फैक्ट्री का जो धुआं निकलता है उसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री एमिशन बोलते हैं। ये फैक्ट्री का धुआं क्या करेगा? सीधा एटमोसफेयर के अंदर कलेक्ट होना शुरू कर देगा और एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। व्हीकल्स एमिशन, व्हीकल का जो एमिशन है, गाड़ियों का धुआं है, बाइक्स का धुआं है, वो भी क्या करेगा? एयर के अंदर कलेक्ट होना शुरू कर देगा। बर्निंग ऑफ कोल एंड फ्यूल, कोल को या फ्यूल को जब हम बर्न करेंगे उससे भी क्या होगा? एयर पोल्यूशन कॉज होगा। बर्निंग ऑफ वुड्स, जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तब भी धुआं निकलता है, वो भी क्या करता है? एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है। फॉरेस्ट फायर्स, पेड़ों को आग लगाना, जंगलों को आग लगाना, ये भी क्या करता है? एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है। वॉल्केनिक एरप्शंस, जब ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तब भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन इंक्रीज करता है हमारे अर्थ के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेस। एंड विद दिस टॉपिक वी एंड आवर चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट। टू गेट मोर नोटिफिकेशन अबाउट न्यू चैप्टर, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वी विल मीट सून। टिल देन, बाय।